तो भाई बारिश का मौसम है और पकोड़े ना बनाए ऐसे कभी हो सकता है क्या? लेकिन एक ही टाइप का पकोड़ा खा के तो मैं भी बोर हो गई हूँ, इसलिए कुछ अलग बनाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए मैंने ना बिल्कुल सिंपल साहित्य ले रखे हैं, इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। दाल लेनी है और उसके बाद में आपको इसे दरदरा पीस देना है। इसके अंदर मैंने मिर्ची डाली थी, हरी मिर्ची, और अदरक डाला था काट करके, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए उसके अंदर। अब यहाँ पर इसको आपको पेस्ट नहीं बना देना है, इसका कुछ ज़्यादा ही इसको फाइन नहीं पीसना है आपको, थोड़ा सा ही दरदरा पीस लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज और उसके पत्ते डाल दिए, और अलग से जो ऑनियन होता है वो डाल दिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर कोरिएंडर डाल दिया, और ताकि ये डाइजेशन में भी हेल्प करे, इसके अंदर मैंने डाल दिया अजवाइन, और इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, हींग और लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा सोडा डाल दिया, पिंच थोड़ा सा सोडा डाल देना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट मिक्स कर लेना है। एंड मिक्स करने के बाद में जो तेल मैंने रखा था फ्राई करने के लिए इनको, वो तेल को आपने डाल देना है। फिर कुछ नहीं करना, बस इन्हें तेल में फ्राई कर लो और गर्मा गर्म इन्हें प्लेट में सर्व करके ले लो। तो तेल में फ्राई करते हैं। मेरी एक चीज़ ध्यान रखना कि फ्रेंड्स, अगर आपका बैटर जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे पतला हो गया, तो इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दीजिए, उससे क्रिस्पनेस तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन बैटर भी एकदम सूट में आ जाएगा। तो ये मेरी एक ट्रिक, आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद में मैं वही अपना सेम प्रोसेस फॉलो करूँगी। अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। और भाई बारिश का मौसम चल रहा है, पकोड़े कैसे नहीं बनाए हम? पकोड़े तो वन ऑफ द ईजीएस्ट रेसिपी है पकोड़े, वो भी बारिश के मौसम में, तो पकोड़े तो बनाना बनता ही है। और ये देखिए, बोलते बोलते यहाँ पर पकौड़े बन के रेडी भी हो चुके हैं। इतना सिंपल और इतना इजी रेसिपी है ये कि आप इसे रोज़ बनाना चाहेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड बाय।